नमस्कार साथियों, पॉडकास्ट के इस चैनल से मैं मोहम्मद इसाक खान आप सभी को अपने और अपने समस्त साथियों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हैं ईद उल फित्र यानी मीठी ईद की। ईद उल फित्र यानी ईद का त्यौहार, अगर मैं अपनी बात कहूं और बचपन की बात कहूं तो मैं रोजे रखने के बाद ईद के दिन नए कपड़े के लिए ललायत रहता था और यही मानकर चलता था कि ईद के दिन मुझे नए कपड़े मिलेंगे, मिलते थे। और रमज़ान में शाम को इफ्तार के टाइम कुछ अच्छे अच्छे खाने को भी मिल जाते थे, फल फ्रूट चने दाल वगैरह। इस महीने में बड़े ही सम्मानपूर्वक लोगों से मिलता था, समाज के लोगों को एक रिश्ते से हम पुकारा करते थे। इसमें जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। जिस तरीके से हम अनवर चाचा, खलील मामू इस तरीके से पुकारते थे, वैसे ही हम त्रिवेणी भैया, बच्चा राम भैया, खिलावन काका, इस तरीके के रिश्तों से ही हम पुकारा करते थे। उनसे भरपूर प्यार मिलता था और वो मानते थे, जानते थे कि ये रोजा है, इसकी हिफाजत करो, इसकी इज्जत करो और इसे सम्मान दो। ये पूरे गाँव और शहर की बात हुआ करती थी। ठीक है, आज थोड़े से कुछ अलग माहौल हो गए हैं, लोग अपने अपने बारे में ज़्यादा कुछ सोचने लगे हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम उस माहौल को, उस भाईचारे को, उस सौहार्द को दोबारा ला सकते हैं। बस दिलों में प्यार चाहिए और इसी प्यार को जगाने के लिए ईद जैसे त्यौहार को हम मनाते हैं। ईद का पर्व खुशियों का त्यौहार है। वैसे तो यह इस्लाम धर्म का त्यौहार है, लेकिन आज इस त्यौहार को लगभग सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। दरअसल इस पर्व से पहले शुरू होने वाले रमज़ान के पाक महीने में इस्लाम मज़हब के मानने वाले लोग पूरे एक महीने का रोज़ा रखते हैं। रमज़ान महीने में रोज़ा रखना अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे अल्लाह खुश होते हैं। ये पर्व त्याग और अपने मजहब के प्रति समर्पण को भी दर्शाता है और ये बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए इच्छाओं का और कुछ ऐसी जो ललक है उनका त्याग करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। ईद उल फित्र का निर्धारण एक दिन पहले चांद देखकर होता है। चांद देखने के बाद उससे अगले दिन ईद मनाई जाती है। सऊदी अरब में चांद एक दिन पहले और भारत में चांद एक दिन बाद, ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है, दिखने कारण दो दिनों तक ईद का पर्व मनाया जाता है। ईद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इस दिन छुट्टी भी होती है। ईद के दिन सुबह से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग दिन भर तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं तथा नए कपड़े तो पहनते ही हैं। ईद के बारे में अगर गहरी जानकारी की ज़रूरत है तो हम बताते चलें कि मक्का से मोहम्मद पैगम्बर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ था। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा कराया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक हिजरी संवत 2 यानी 224 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ईद उल फित्र मनाया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले से ही दो सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र और ईद उल जुहा कहा गया है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई। ईद का त्यौहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या न हो, ये सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में चैरिटी ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन, कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। कुरान में जकात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। जकात यानी दान को हर मुसलमान का फर्ज कहा गया है। ये गरीबों को दिए जाने वाला दान है और इससे यही होता है कि जिस गरीब के पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, वो अपना इन्हीं दान के ऊपर इंतज़ाम कर लेता था। तो इस तरह से एक खुशहाल समाज का अस्तित्व सामने दिखता था। दरअसल ईद की शुरुआत सुबह के दिन पहली प्रार्थना के साथ ही हो जाती है, जिसे फजर की नमाज हम बोल सकते हैं, जिसे सलात अल फजर भी कहा गया है।
इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। वैसे ईद पर खजूर खाने की भी परंपरा है शुरू में, फिर नए कपड़ों में सजकर लोग ईदगाह या बड़े खुले स्थान पर जाते हैं जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। प्रार्थना के बाद ईद की बधाइयां दी जाती हैं, उस समय ईद मुबारक कहा जाता है और अपने समाज देश की समृद्धि हिफाजत और उसके स्वाभिमान के लिए भी दुआएँ मांगी जाती हैं। इस तरह से हम सब ईद मनाते हैं। तो ईद हम सब के लिए एक ख़ास त्यौहार है। हम ईद मिलन का उत्सव भी मनाते हैं जिसमें कि हर तरह के लोग, हर तबके के लोग इसमें शामिल होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। मिलजुल करके एक नए समाज का निर्माण इससे होता है और समृद्धि आती है, सद्भाव बढ़ता है। इसी कोशिश में एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हुए आपको बधाई देना चाहेंगे। आपको और आपके परिवार को ईद का त्योहार मुबारक हो। ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बूंदे पॉडकास्ट की तरफ से मीठी ईद की आप सबको बहुत मिठास के साथ शुभकामनाएं। Appreciation can change a life. Your support and appreciation is all we need. Support us and be our patron and get a chance to be a part of our exclusive fan-based show. Log on to www.patreon.com/boondepodcast and show your love and support. Link available in the description.